The purpose of knowledge shared here is only educational and to increase awareness. Please always consult your family doctor before using any medicine. Self-treatment may always be injurious. मित्रों, आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पर बात करेंगे। रीढ़ की हड्डी में बाई बात का असर होने से होने वाली तकलीफ जब गर्दन को प्रभावित करती है तो इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। गर्दन में दर्द की तकलीफ के केस बढ़ रहे हैं। सर्वाइकल कॉलर गर्मी में पहनना बहुत कष्टदायक है। रोगी बताते हैं कि सर्वाइकल कॉलर न पहनने तो दर्द बढ़ जाता है, चक्कर आता है, नियम से एक्सरसाइज करनी होती है, दर्द की गोली भी खानी पड़ती है, किसी किसी को ट्रैक्शन लगाना पड़ता है, फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ती है। होम्योपैथिक इलाज से अपनी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हमेशा के लिए ठीक करें। आइए महत्वपूर्ण दवाओं को जानें। दवा कैल्केरिया फास्फोरिका, इसके महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार हैं: रूमेटिक पेन एंड स्टिफनेस ऑफ नेक विद कोल्ड नंब फीलिंग, डलनेस ऑफ हेड, पेन वर्स फ्रॉम स्लाइट ड्रॉट ऑफ एयर, क्रैम्प लाइक पेन इन नेक फर्स्ट वन साइड देन द अदर, मोस्टली फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, रूमेटिज्म विच गेट्स वेल इन समर एंड बिकम्स बैड अगेन इन कोल्ड वेदर, वियरीनेस When going up stairs, wants to sit down, hates to get up. तकलीफ का ठंडी हवा से बढ़ना, दाहिनी ओर प्रारंभ होकर बाईं तरफ जाना, गर्मी के दिनों में आराम रहना, सर्दी आने पर और ठंडी हवा के झोंके से तकलीफ प्रारंभ होना या तकलीफ का बढ़ जाना, अगर आपको ये लक्षण है तो कैल्केरिया फास्फोरिका 200 CH डोज 1 ड्रॉप इन 10 ml वाटर वंस इन 15 डेज। दवा को जल्दी जल्दी रिपीट न करें। अगली दवा रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, द कोल्ड फ्रेश एयर इज नॉट टॉलरेटेड, इट मेक्स द पार्ट पेनफुल। स्प्रिचुअस लिक्वर्स एग्रेवेट द पेन, स्टूपिंग एग्रेवेट्स द पेन, वॉकिंग एमिलियोरेट्स द पेन, कोल्ड डैम्प वेदर एग्रेवेट्स द पेन, सेंसेशन एज इफ ए 100 weight ऑन नेप ऑफ नेक, गर्दन पर बहुत भारी बोझ रखा है ऐसा प्रतीत होता है, रूमेटिक स्टिफनेस ऑफ नेक एंड नेप ऑफ नेक विथ पेनफुल टेंशन ड्यूरिंग मूवमेंट, द ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड पेन इज एक्सपीरियंस्ड ऑन फर्स्ट मूविंग द ज्वाइंट्स आफ्टर रेस्ट एंड ऑन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। ठंडी नम हवा से तकलीफ बढ़ जाना, गर्दन पर भारी बोझ महसूस होना, सुबह उठने पर तकलीफ बहुत ज्यादा, चलने फिरने पर घट जाना, अगर आपको ये लक्षण है तो रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन 200 CH डोज 1 ड्रॉप इन 10 ml वाटर वंस इन 15 डेज। दवा को जल्दी जल्दी रिपीट ना करें। अगली दवा सिमिसिफ्यूगा, जिसे एक्टिया रेसिमोसा भी कहा जाता है, रूमेटिज्म अफेक्ट्स द वर्टिब्रल जॉइंट्स एंड स्पेशली इन द नेक, स्टिफनेस फ्रॉम कोल्ड एयर, पेन फ्रॉम मूविंग इवन द हैंड्स, फील स्टिफ लेम कॉन्ट्रैक्टेड,
spine sensitive from using arms in sewing, typewriting, piano playing. Sensitiveness of the spine, especially in the cervical and upper dorsal regions. Head and neck retracted affects the left side most. गर्दन में अकड़न व दर्द, हाथ इधर उधर घुमाने पर दर्द बढ़ता है, ठंडी हवा से तकलीफ का बढ़ना, अगर आपको ये लक्षण है तो दवा एक्टियारेसिमोसा 200 CH डोज 1 ड्रॉप इन 10 ml वाटर वंस इन 15 डेज। दवा को जल्दी जल्दी रिपीट ना करें। अगली दवा लैक कैनाइनम, वेरी फॉरगेटफुल, एब्सेंट माइंडेड, मेक्स परचेजेस एंड वॉक्स अवे विदाउट देम, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, सिम्टम्स चेंज रिपीटेडली फ्रॉम साइड टू साइड, स्पाइन एक्स फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन टू कॉसिक्स, वेरी सेंसिटिव टू टच और प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, occasionally natural stool passes, urgent desire for stool but passes nothing but wind, or possibly 1 or 2 small pieces like sheep dung, considerable wind in abdomen with rumbling but never any pain. भूलने की तकलीफ, लक्षण एक साइड से दूसरी साइड को जाते रहते हैं, रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी गर्दन से लेकर नीचे तक छूने से भी दर्द करती है, अगर आपको ये लक्षण है तो लैक कैनाइनम 200 CH डोज 1 ड्रॉप इन 10 ml वाटर वंस इन 15 डेज। दवा को जल्दी जल्दी रिपीट ना करें। कास्टिकम, कास्टिकम दवा में स्टिफनेस, सोरनेस एंड टेंशन इन द नेक, स्वेलिंग लाइक गोइटर ऑन द थ्रोट, पेनफुल स्टिफनेस बिटवीन द स्कैपुला एंड ऑफ द बैक, स्पेशली व्हेन राइजिंग फ्रॉम ए सीट, इचिंग एंड ह्यूमिड टिटर इन द नेप ऑफ द नेक, pain as from a bruise in the nape of the neck. Stool passes better when the person is standing, impeded by hemorrhoids. गर्दन में अकड़न और तेज दर्द, खड़े होकर मल त्यागना पड़ता है, खांसने छींकने पर पेशाब निकल जाता है, अगर आपको ये लक्षण है तो कास्टिकम 200 CH डोज 1 ड्रॉप इन 10 ml वाटर वंस इन 15 डेज। दवा को जल्दी जल्दी रिपीट ना करें। अगली दवा रोडोडेंड्रॉन, नर्वस पर्संस हु ड्रीड ए स्टॉर्म एंड आर पर्टिकुलरली अफ्रेड ऑफ थंडर, स्टिफनेस ऑफ द नेक एंड रूमेटिक पेन्स इन द मसल्स ऑफ द नेक caused by stormy weather and worse when at rest. Great sleepiness during the day with burning in the eyes. Cannot get sleep or remain asleep unless legs are crossed. Complaints are worse from change of weather, thunderstorm, windy weather. गर्दन में अकड़न और दर्द, गरजने वाले तूफान से तकलीफें बढ़ती हैं, जब तक पैर के ऊपर पैर न रखे तब तक नींद नहीं आती, अगर आपको ये लक्षण है तो रोडोडेंड्रॉन 200 CH डोज 1 ड्रॉप इन 10 ml वाटर वंस इन 15 डेज। दवा को जल्दी जल्दी रिपीट ना करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में अनेक दवाएं रोगी के लक्षणों के अनुसार काम आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के लक्षण मैंने बताए,
कमेंट में बताएं और किन औषधियों के विषय में आप जानना चाहते हैं। दवा को जल्दी जल्दी रिपीट करने से हो सकता है कि आपको राहत मिल जाए, किंतु यदि आप अपनी बीमारी को पूर्णतया ठीक करना चाहते हैं तो 200 CH पोटेंसी की एक खुराक को 15 दिन कार्य करने दें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप होम्योपैथी में क्या जानना चाहते हैं, मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चैनल को अधिकतम लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए अपने सुझाव लिखें। वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखने के लिए आभार और धन्यवाद। होम्योपैथी सेफर एंड सुपीरियर मेडिसिन। यूज होम्योपैथी, स्टे हेल्दी एंड इम्प्रूव योर इम्यूनिटी।